नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 NCERT बुक का पाठ द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो 4.1 में पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसमें 8 सवाल दिए हुए हैं और सबको पता करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक ना। तो पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग, x+1 के घात 2 बराबर 2 × x-3। तो इनको हल करेंगे। देखिए, इनको पहले क्या है, x+1 का घात 2 है, तो ये इस पर सूत्र लगेगा। तो ये सूत्र हम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, x+y² (x²+y²)(2xy), ठीक ना। ये सूत्र होता है, तो इसमें x के स्थान पर तो x ही है, y के स्थान पर 1 है। तो इस समीकरण में, इस फॉर्मूले में कहीं भी ये y दिखाई देगा तो हम लोग वहाँ पर 1 रख देंगे, ठीक ना। तो इसको रख के देखते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस ये y का स्क्वायर है, ठीक ना। तो y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 × xy, तो x इसमें x ही है और y का मान 1 है, तो ये हमने सूत्र पर रख दिया मान। और इसका कोष्टक को खोलेंगे तो इस 2 का गुणा इन दोनों पदों में किया जाएगा, तो 2x गुणा करेंगे तो 2x आया, 2 × 3 = 6, तो ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, 1 का वर्ग 1 रहेगा, 2 × 1 = 2 तो 2x आया, बराबर ये 2x - 6 - 6। इसमें देखिए, यहाँ भी 2x है और ये भी 2x है, ठीक ना। बराबर के दाएं बाएं दोनों तरफ 2x है, तो ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको हल कर लेंगे, तो x² + 1, और देखिए इस बराबर के इधर -6 है, तो -6 को बाईं तरफ पक्षांतर करेंगे तो -6 का प्लस सिक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। तो ये हो गया x² + 7 (6 + 1) = 7 बराबर 0। तो देखिए, ये ना कोई भी समीकरण, वर्ग समीकरण तब होता है जब उस समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है, ठीक ना। द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी कहते हैं और इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना। और इसको वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, वर्ग समीकरण, ठीक ना। तो अब देखिए, इस समीकरण में घात 2 है तो ये वर्ग समीकरण है, तो हम इसको लिख लेते हैं, यह ax² + bx + c = 0, ये वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो लिखेंगे, यह ax² + bx + c = 0 के प्रकार का समीकरण है, समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, ठीक ना। तो ये पहला प्रश्न का पहला भाग हो गया। दूसरा भाग देखते हैं, दूसरा भाग में है, यही लिख लेते हैं। दूसरा भाग लिखा है, x² - 2x = -2
और कोष्टक में है 3 माइनस यक्स, तो ये हो गया 3 माइनस यक्स। इसको हल करते हैं तो यहाँ पर कुछ हल नहीं करना, इसको सीधे ऐसे ही नोट कर लेते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर इस माइनस 2 का इन दोनों पदों में गुणा होगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो माइनस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस 6, और इस माइनस 2 का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो 2 माइनस है, देखिए यहाँ पर ऐसे माइनस 2 गुणे माइनस एक्स, इसको ऐसे गुणा करते हैं तो 2 माइनस गुणे में रहेगा तो प्लस हो जाता है, और 2x तो ये 2x, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x। अब देखिए इसमें 2x इधर भी है, 2x इधर भी है, मगर यहाँ ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक ना, ये हल होगा। तो लिखेंगे x स्क्वायर इस माइनस 2x और उस प्लस 2x को बाई तरफ पक्षांतर करेंगे, तो प्लस है तो माइनस 2x बराबर, इसको भी अंदर पक्षांतर कर लेते हैं, इसको भी इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 6 है तो प्लस 6 बराबर 0। तो ये आ गया समीकरण 2x स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, अंक जुड़ जाते हैं तो 2 2 4 प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए ये चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है, ये समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण एक वर्ग समीकरण है, ठीक ना। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, तीसरा भाग क्या है, थर्ड लिखा है यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस 1 बराबर यक्स माइनस 1 और यक्स प्लस 3। तो देखिए 2 कोष्टक में दिया हुआ है, इस कोष्टक को खोलेंगे तो कैसे खोलते हैं उसको देखते हैं। देखिए पहले कोष्टक का पहला पद यहाँ लिख लेते हैं और दूसरा कोष्टक पूरा लिखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस 1, फिर इस कोष्टक का जो बच गया माइनस 2 बच गया तो यहाँ लिखेंगे, और ये दूसरा कोष्टक फिर पूरा लिखेंगे, तो दूसरा कोष्टक x प्लस 1 है तो ये हमने लिख लिया, तो इस कोष्टक को भी इसी तरह खोलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले कोष्टक का पहला पद यहाँ लिखेंगे और इस दूसरे कोष्टक को पूरा लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिए, फिर इस कोष्टक का जो माइनस 1 बचा उसको फिर लिखते हैं माइनस 1, फिर इस कोष्टक को पूरा लिखेंगे x प्लस 3, ठीक। फिर अब इस x का इन दोनों पदों में गुणा करेंगे, तो इस x का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो x की घात 2 हो गया, फिर x एक कम x हो गया, फिर इस माइनस 2 का x में करेंगे तो माइनस 2x और माइनस 2 एक कम माइनस 2 बराबर, फिर इसको भी ओपन करेंगे x का इसमें और x का इसमें, तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x और माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस x और 1 के गुणा 3 में करेंगे तो 3 और 1 माइनस है तो 1 माइनस लगेगा। अब देखिए ये दोनों तरफ x स्क्वायर था, ये कैंसिल हो गया और जो बचा उसको हल कर लेंगे। देखिए x में से माइनस 2x जाएगा तो माइनस x आया, फिर ये माइनस 2 हो गया बराबर 3x में से एक x घट जाएगा तो 2x आ गया और ये माइनस 3। x को अंदर पक्षांतर करेंगे 2x को
तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस है तो माइनस टू एक्स, और ये माइनस टू यहाँ लिखा है, और इस माइनस थ्री को बाई तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस थ्री है तो प्लस थ्री बराबर जीरो। आप इसको देखिए माइनस वन माइनस टू, ठीक ना, यहाँ एक वन होता है तो माइनस वन माइनस टू, माइनस 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 अंक जुड़ जाएगा तो दो और एक तीन, और तीन में से दो गया एक बराबर जीरो। तो देखिए इसका माइनस कॉमा ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमा लेते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है बस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका माइनस हटाया तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा बराबर जीरो, मतलब सबका चिन्ह बदल सकते हैं, ठीक ना। तो ये माइनस है तो प्लस कर दिया, तो प्लस है तो ये माइनस हो गया बराबर जीरो। तो देखिए ये वर्ग द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के प्रकार का समीकरण नहीं है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक ना। तो ये तीसरा प्रश्न भी हो गया। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, तो चौथा है यक्स माइनस थ्री टू यक्स प्लस वन बराबर यक्स गुणे यक्स प्लस फाइव। तो इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए दो ब्रैकेट हैं, इसको कैसे ओपन करेंगे, तो पहले कोष्टक का पहला पद ये लिख लिया और दूसरा कोष्टक पूरा लिखेंगे टू एक्स प्लस वन, फिर जो इस कोष्टक का बच गया माइनस थ्री उसको लिखेंगे यहां पर, और इस कोष्टक को पूरा नोट करेंगे। इसके बाद इसका गुणा इसमें कर लेंगे और इसका गुणा इसमें कर लेंगे, तो यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, और यक्स का गुणा पांच में करेंगे तो पांच यक्स। अब इसका कोष्टक खोल लेते हैं, इसका खोलेंगे तो टू एक्स स्क्वायर और एक्स एकम यक्स, और इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक ना। देखिए इसको लिखना नहीं है, ये मैं बस समझा रहा हूँ आपको, इस तरह तीर नहीं लगाना है। तीन दूनी छः यक्स और तीन एकम तीन माइनस में, और एक्स स्क्वायर प्लस पाँच यक्स। आप एक सबको उधर के सबको एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक में से छः गया, ठीक ना, वन है, वन माइनस एक्स तो माइनस फाइव एक्स, ठीक ना। एक में से छः घटेगा तो छोटे से बड़ा घटने कारण माइनस लग गया, और छः में से एक घटा तो पाँच आ गया, ये माइनस तीन लिख लिया, ठीक ना, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अब इसको भी अंदर बाई तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को बाई तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस फाइव एक्स लिख लिया, इसके संग इसको पक्षांतर साथ में लिख लेंगे तो प्लस है तो माइनस फाइव एक्स, और ये माइनस थ्री बराबर, इधर कुछ नहीं बचा, इधर दोनों पद बाई तरफ पक्षांतर हो गए तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो ये जीरो हो गया। इस प्रकार टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर लिखा, ये माइनस 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 अंक जुड़ जाता है तो पाँच पाँच दस एक्स, और ये माइनस तीन बराबर जीरो। तो लिखते हैं चूंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के प्रकार का समीकरण है,
समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो प्रश्न नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। 2x-1 x-3 बराबर x+5 और x-1। इसको हल कर लेते हैं। तो दो ब्रैकेट है, कैसे खोलेंगे? देखिए, इसका गुणा इसमें और इसमें दोनों में होता है। देखिए, 2x लिख लिया और इस कोष्टक को पूरा लिख लेंगे, x-3, और ये -1 है, -1 यहाँ लिख लेते हैं और इस कोष्टक को फिर लिखते हैं। तो x-3 बराबर, इसमें भी यही काम करेंगे, इसको लिख लेंगे और इस कोष्टक को पूरा लिख लेंगे, फिर +5 लिखेंगे और इस कोष्टक को पूरा लिख लेंगे। इसी तरह का है ये, तो इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, तो ये 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x² और 2x का गुणा 3 में करेंगे तो 6x और इसका गुणा करेंगे तो -x और -1 का गुणा -3 में करेंगे तो 3 × 1=3 और 2 - तो प्लस। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो x² और x = x प्लस 5x, 5 × 1=5, तो हो गया। अब देखते हैं 2x², इनको हल कर लेंगे तो -6 और -1 +3 बराबर x² इस यहाँ 1 है देखिए, तो 5 में से 1 गया 4x -5 - 1 = 4 हो गया, ये -5 लिख लिया। अब सबको इधर पक्षांतर कर लेंगे बाई तरफ, तो लिखते हैं 2x², इस x² को यहाँ पक्षांतर कर लेंगे तो -x² हो जाएगा और ये -7x है और यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे तो -4x और ये +3 है, इसके संग इसको पक्षांतर करेंगे तो +5 हो जाएगा बराबर 0। देखिए ये घात 2 है, तो इस घात 2 को इसके संग यहाँ पक्षांतर करके रख लिया, 7x है तो 4x को इधर पक्षांतर किया इसके साथ, ये अचर पद है तो इसको अचर पद को इसके संग हल, इसको एक संग पक्षांतर किया ताकि हल करने में परेशानी न हो। तो अब देखिए 2x² में एक x² घटेगा तो x² आ गया और 7 × 4 = 11 और 5 × 3 = 8 बराबर 0। तो देखिए ये क्या, ये देखिए इसी तरह का है, देखिए इसके नीचे एकदम यही चीज़ लिखना है हमको, यह ax² + bx + c = 0 के प्रकार का समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, तो इसके नीचे यहाँ पर यही चीज़ लिखा जाएगा, ठीक ना? तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 1 का 6वां भाग देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का 6वां भाग लिखा है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 / 2, ठीक ना? तो इसको, इसके लिए एक सूत्र लगेगा, उसको लिख लेते हैं। इसके लिए तो लिखेंगे x - y / 2 बराबर x² + y² - 2xy, ये सूत्र लगता है। तो देखिए x के स्थान पर x ही है, y के स्थान पर 2 है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। इसको तो लिखेंगे x² + 3x + 1 बराबर, तो इसमें लिखेंगे x² है तो पहले x² + y² है तो 2² - 2 × xy, x × 2
देखिए ये दोनों तरफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिल गया, तो इसको हटा देते हैं, कैंसिल कर दिए, ये रहा 3x प्लस 1 बराबर 2 × 4 और ये होगा 2 × 4 माइनस 4x। तो एक्स एक्स एक तरफ और अचर पद भी एक तरफ, साथ में लिख लेते हैं, तो ये 3x और इसको इधर पक्षांतर करेंगे बाईं तरफ तो माइनस है तो प्लस 4x और ये प्लस 1 लिखा है और ये प्लस है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। ये हो गया 4 × 3 7x और एक में 4 गया तो माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे। यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए इसमें घात 2 नहीं है, के प्रकार का नहीं है, इसलिए इसके प्रकार का नहीं हुआ, के प्रकार का नहीं है, है ना। तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक ना। तो समीकरण नहीं हो गया। अब छठवां सातवां भाग देखते हैं। सातवां भाग है, यही नोट कर लेते हैं इसको। लिखा x प्लस 2 के घात 3 बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको देखते हैं, देखिए इसमें घात 3 है तो घात 3 वाला सूत्र लगेगा, तो घात 3 वाला सूत्र लिख देता हूँ। x प्लस y के घात 3 का सूत्र होता है x के घात 3 y के घात 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर, ठीक ना। तो ये सूत्र होता है, इसी पर इसको रखेंगे, तो जहाँ x है x है ही, y के स्थान पर हम लोग 2 रखेंगे, तो x क्यूब है ना, तो x के घात 3 या x का क्यूब प्लस y का क्यूब 2 है, तो 2 के घात 3 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक ना। ये x स्क्वायर हो गया, ये y है तो y के स्थान पर 2 रख देते हैं, 3x और फिर y स्क्वायर है तो y के स्थान पर 2, तो 2 के घात 2 बराबर, इसको खोल लेते हैं, इसका बड़ा इसमें और इसका बड़ा इसमें करके ओपन कर लेते हैं, तो 2x के घात 2 है और एक x और मिल गया, तो लिखेंगे 2x के घात 3 और इसका बड़ा इसमें करेंगे तो माइनस 2x। तो इसको हल करते हैं अब, तो हो गया x के घात 3 प्लस, देखिए 2 के घात 3 है, इसका मतलब होता है 2 के घात 3 का मतलब 2 को 3 बार लिखिए फिर गुणा करिए, 2 × 4 4 × 8, ठीक ना। तो 8 लिख लिया, देखिए 3 × 6 एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 × 4 4 × 12 x बराबर, ये हो गया 2x क्यूब माइनस 2x। आप सबको एक तरफ पक्षांतर करेंगे, तो x के घात 3 है तो x के घात 3 के संग इसको यहाँ पक्षांतर कर लेंगे, तो लिखेंगे ये प्लस में है तो माइनस 2x के घात 3, फिर x के घात 2 वाला लिख लेते हैं, प्लस x के घात 6x के घात 2, यहाँ कहीं नहीं x घात 2 है, ठीक है छोड़ देते हैं, और ये प्लस 12x और इसको अंदर पक्षांतर करेंगे तो प्लस 2x, ठीक ना। और ये अचर पद यहाँ लिखा है, यहाँ लिख लेते हैं प्लस 8 बराबर 0। तो x में से 2 जाएगा, मतलब ये 1 होता है, तो 1 में से 2 गया माइनस 1 है ना, तो माइनस x के घात 3 प्लस 6x स्क्वायर और 12 × 2 = 14x प्लस 8 बराबर 0। ये माइनस में हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ माइनस कॉमा ले लेता हूँ, ठीक ना, उभयनिष्ठ ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x के घात 3
अब चूंकि बाहर माइनस ले लिया है तो अंदर बोलते हैं सब चेंज हो जाता है, ठीक ना। माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया, बराबर जीरो। जब इस माइनस को नीचे पक्षांतर करेंगे तो माइनस जीरो बटे कुछ भी होता है जीरो हो जाएगा, इसलिए इस माइनस को उधर पक्षांतर करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एक्स के घात 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 बराबर जीरो। तो देखिए यहाँ एक्स के घात 3 आ गया, दुई घात समीकरण होने के लिए उसमें केवल 2 के घात से न तो 2 के घात से न अधिक होना चाहिए न 2 के घात से कम होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए ये 2 के घात में कम हो गया था, ठीक ना, इसमें यक्ष की घात 2 नहीं था इसमें, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं था। इसी प्रकार इसमें यक्ष की घात 3 हो गया, ठीक ना, 2 है मगर अधिकतम घात 3 हो गया तो त्रिघात समीकरण हो गया, तो द्विघात समीकरण नहीं रह गया। तो इसके नीचे लिखेंगे, देखिए यहाँ जैसे नहीं मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इसको आप यही लिखिएगा, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के प्रकार का नहीं है, ठीक ना। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक ना। तो इसके नीचे यहाँ पर यही चीज लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो अब लास्ट भाग है आठवां भाग, तो आठवें भाग को करते हैं, तो अंतिम भाग देखते हैं, आठवां भाग है। आठवां भाग में लिखा है x के घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ लिखा है x माइनस 2 के घात 3, तो घात 3 पर है मगर माइनस वाला सूत्र लगेगा, तो माइनस वाला सूत्र लिख देते हैं, x माइनस वाई के घात 3। तो इतना है इसका, x के घात 3 माइनस वाई के घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये सूत्र होता है। देखिए समय माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, ठीक ना। तो इसी पर मान रखेंगे, तो पहले इसको पूरा नोट कर लेते हैं, यहाँ पर x के घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ लगाएंगे x के घात 3, तो x के घात 3 हो गया, x के घात 3 हो गया माइनस 2 के घात, तो ये y का मान 2 है तो 2 के घात 3 लगाएंगे, माइनस 3x स्क्वायर गुणे y का मान कितना है 2 है, प्लस 3x, x के स्थान पर x ही है, y के मान पर 2 है तो 2 के घात 2 लगा लेते हैं, तो ये हो गया। देखिए दोनों तरफ x क्यूब है तो हट सकता है, हटा दे रहे हैं। अब हो गया माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, 2 को 3 बार करेंगे तो 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, और ये हो गया 3 दुनी 6 एक्स स्क्वायर, और 2 दुनी 4 तियाई 12, तो 12 एक्स हो गया। अब सबको बाई तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर, इसको अंदर पक्षांतर करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर, और ये माइनस एक्स, उस प्लस 12 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 12x, ये प्लस 1, और इस माइनस 8 को बाई तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस 8 बराबर जीरो। अब इसको हल करेंगे तो 6 में 4 गया 2x स्क्वायर, और 12 और 1 13, तो माइनस 13x, 8 1 9 बराबर जीरो। तो देखिए चूंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के प्रकार का द्वि के प्रकार का समीकरण है, के प्रकार का समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण
है, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न एक के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न दो को देखते हैं, प्रश्न नंबर दो देखते हैं। तो लिखा है इसमें प्रश्न नंबर दो के लिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक ना। तो क्वेश्चन दिया है तो उसका द्विघात समीकरण के रूप बनाना है बस। तो पहला देखिए, प्रश्न नंबर दो का पहला है, पहला लिखा है इसमें, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दुगुने लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पहले मान लेते हैं, माना आयताकार भूखंड भूखंड की चौड़ाई, ठीक ना, चौड़ाई x मीटर, ठीक ना, क्योंकि चौड़ाई से देखिए लंबाई को बोला है चौड़ाई से दुगुने से एक अधिक है, ठीक ना। तो चौड़ाई को पहले मानेंगे तो फिर लंबाई उसकी फिर लंबाई ज्ञात करेंगे। इसलिए आयताकार भूखंड की लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बोला है देखिए लंबाई बोला है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, ठीक ना। तो चौड़ाई का दुगुना x है तो हम यहाँ पर 2x लिखेंगे, और एक अधिक तो एक प्लस वन कर लिया तो ये हो गया लंबाई, ठीक ना। तो चौड़ाई बोला, चौड़ाई हमने माना x, तो भूखंड की लंबाई कितनी हो गई, तो बोला है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, ठीक ना। तो डबल किया और प्लस वन किया, ठीक ना, दुगुने से एक अधिक हो गया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। लंबाई कितना है 2x प्लस 1 गुणे चौड़ाई कितनी है x है बराबर 528। तो इस x का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे, तो x का गुणा इसमें करेंगे तो 2x² + x³ बराबर 528। अब इसको 528 को अंतर पक्षांतर कर लेंगे तो 2x² + x - 528 बराबर 0। तो ये रहा पहले समीकरण का, ये द्विघात समीकरण के रूप में हमने लिख लिया। तो प्रश्न नंबर दूसरे का पहला भाग हो गया। अब प्रश्न नंबर दूसरा भाग देखते हैं। तो दूसरे भाग में क्या लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो लिखते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो इसमें क्रम से अगर लिखना हो तो यक्स एवं यक्स प्लस वन, ठीक ना। तो क्रम से कोई सी संख्या हो, यक्स यक्स प्लस वन यक्स प्लस टू यक्स प्लस थ्री, इसको इस तरह लिखते हैं। हमको दो चाहिए था तो हमने x और x प्लस वन लिख लिया। अब लिखिए प्रश्नानुसार, इसमें लिखा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, ठीक ना। तो इनका गुणनफल कितना दिया है, इनका गुणनफल दिया है 306
बराबर 306। तो दोनों का गुणा कर लेंगे तो x और x प्लस वन का गुणा करके लिख लेंगे x और ये x प्लस वन बराबर 306। अब इसका गुणा कर लेंगे इनका दोनों पद में तो x x x स्क्वायर x एकम x बराबर 306। अब 306 को अंदर पक्षांतर कर लेंगे तो जगह x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर जीरो। तो इसका भी द्विघात समीकरण ये हो गया। अब प्रश्न नंबर तीसरा भाग देखते हैं। लिखा है इसमें रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक ना, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से तीन वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं थर्ड, माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक ना, तो उसके माँ की आयु कितनी जाएगी, तो लिखेंगे रोहन के माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी जाएगी, देखिए रोहन की आयु से उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, ठीक ना, तो वह रोहन की जो भी आयु होगी उसमें 26 जोड़ लेंगे, ठीक ना, तो 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ तो x प्लस 26 वर्ष हो गया, ठीक ना, ये वर्तमान आयु लिख लिया। अब इसमें बोले तीन वर्ष बाद, ठीक ना, तो लिखेंगे तीन वर्ष बाद पश्चात या बाद, तो पहले इन दोनों की आयु तीन वर्ष बाद बनाएंगे, ठीक ना, तो लिखेंगे रोहन की आयु तो तीन वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस थ्री, ठीक ना, तीन वर्ष बढ़ा दिए। इसी प्रकार रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु कितनी जाएगी, इसमें भी तीन जोड़ लेंगे, x प्लस 26 प्लस तीन तो जाएगा x प्लस 29, ठीक ना, तो ये हो गया 29 ऐसे। अब क्या बोला तीन वर्ष बाद, अब से तीन वर्ष गुणनफल बोला है, उनकी आयु का गुणनफल अब से तीन वर्ष बाद 360 हो जाएगी, ठीक ना, तो 360 करना इनका गुणनफल। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक ना, तो x प्लस थ्री का x प्लस 29 का गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा, ठीक ना। अब दो ब्रैकेट है, कैसे खोलेंगे, इसको पहले लिखेंगे और इस कोष्टक को पूरा लिखेंगे, फिर इस तीन को यहाँ लिखेंगे और इस कोष्टक को फिर पूरा लिखेंगे तो x प्लस 29 बराबर 360। तो अब इसका गुणा इसमें कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और 29 में 3 का गुणा कर लेंगे, 9 त्रिक 27, 3 दुनी 6 8 2 8 बराबर 360। तो x स्क्वायर प्लस 29 और 3 जोड़ देंगे 29 30 31 32 32x प्लस 87, इसको भी बाई तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस 360 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x और 87 इसमें घटा लेंगे तो 360 माइनस 87 273 माइनस 273 बराबर जीरो, ठीक ना, तो ये हो गया वर्ग समीकरण इसका बन गया। अब प्रश्न नंबर दो का चौथा भाग देखते हैं। तो इसमें लिखा है
एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो जो ज्ञात करना है उसको पहले मान लेते हैं। चौथा, माना रेलगाड़ी की चाल लिखेंगे यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। अब लिखें चाल में कमी की गई है तो उसका भी बना लेते हैं। लिखेंगे चाल में कमी करने पर रेलगाड़ी की नई चाल, है ना, दूसरी चाल या नई चाल क्या आ जाएगी, चाल में कमी किया गया है तो यक्स माइनस एट कर लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दिया गया था तो चाल कम कर दिए, ठीक ना। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार, ठीक ना। तो ये होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक ना, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए, समय अगर किसी चीज़ का ज्ञात करना हो तो दूरी को उसकी चाल के संग भाग दे देंगे तो समय ज्ञात हो जाता है, ठीक ना। तो पहले कंडीशन में लिखे कुल दूरी कितना तय किया है, 480। देखिए 480 देखिए दूरी है को चाल से भाग दे दें तो पहले जो रेलगाड़ी की सामान्य चाल थी उससे अगर भाग कर देते हैं तो रेलगाड़ी को जो 480 किलोमीटर को तय करने में जो समय लगता था ये प्राप्त हो गया, ठीक ना। दूरी बटे चाल बराबर समय होता है तो इतना समय इस रेलगाड़ी को तय करने में लगा। और दूसरा कंडीशन में देखिए लिखा है इसी 480 किलोमीटर की दूरी को, अब देखिए यक्स माइनस एट की चाल से चलेगा, यक्स माइनस एट मतलब चाल में कमी हो गया, ठीक ना। तो चाल में कमी हो गया तो अब इसको जितना समय यहाँ लगता था उससे ज़्यादा समय तो लगेगा ही, ठीक ना। वही दूरी को अब धीरे धीरे तय करेंगे तो समय तो बढ़ेगा ही, तो इसमें लिखा है 3 घंटा अधिक समय लेता है, ठीक ना। तो ये वाला कुल समय, ये समय इस समय से 3 घंटा ज़्यादा है, ठीक ना। अगर ये मान लिया ये 10 है, ये 10 घंटा लगा तो ये 13 घंटा है, ठीक ना भाई। समय अगर चाल कम कर देंगे तो दूसरी दूरी को तय करने में तो ज़्यादा समय लगेगा ही, और इस कंडीशन में ये 3 घंटा ज़्यादा है तो मान लिया अगर ये 10 घंटा लगा तो इसको 13 घंटा लगेगा, ठीक ना। तो अब इस बराबर का चिन्ह, बराबर इस दोनों तरफ का बराबर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 3 घंटा ज़्यादा है तो इसमें क्या करेंगे, या तो इसमें से माइनस 3 घंटा कम कर लें या इसमें प्लस 3 घंटा दे दें तो बराबर हो जाएगा। जैसे अगर ये 10 है और ये 13 है तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो माइनस 3 कर लें तब भी 10 बराबर 10 आ जाएगा, या 10 में 3 जोड़ दें तब भी ये 13 आ जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 3 कर दें या इसमें माइनस 3 कर दें, तो इसमें माइनस 3 या चाहे प्लस 3 तो हम इसमें प्लस 3 कर देते हैं, कहिए इसलिए हम इसको भी 3 दे देते हैं। तो इसमें हमने प्लस 3 कर लिया, ठीक ना। इसको प्लस 3 या तो यहाँ माइनस 3 भी कर सकते थे। अब इसको एक तरफ कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो इसको हल करते हैं। देखिए 480 बटे यक्स माइनस 8, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 480 बटे एक्स, और ये बराबर 3 रह गया। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा यक्स और यक्स माइनस 8, और इसका लघुत्तम लेने के बाद तिरे गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे 480x माइनस, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 480 और यक्स माइनस 8 बराबर 3। तो अब इसका कोष्टक खोल लेते हैं तो ये हो गया 480x, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं तो माइनस 480x,
और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो दो माइनस होने के कारण प्लस हो जाएगा, और इसका गुणा कर लेते हैं, आठ जीरो जा जीरो, आठ अठाई चौंसठ, चार हासिल छः, आठ चौक बत्तीस, बत्तीस में छः जुड़ा तो अड़तीस, बटे इसका गुणा इन दोनों में कर लेंगे तो कोष्टक खुल जाएगा, यक्स गुणा यक्स में तो यक्स स्क्वायर, और इसका गुणा इसमें करें तो माइनस एट यक्स बराबर तीन, बटे एक कर लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए सेम चीज है, ये हो गया अड़तीस चालीस बटे यक्स स्क्वायर माइनस एट यक्स बराबर तीन बटे एक। अब तिरेक गुणा कर लेंगे इसका, तो देखिए इसका तिरेक गुणा कर लेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा करते हैं तो ये जाएगा तीन गुणे यक्स स्क्वायर माइनस एट यक्स बराबर अड़तीस चालीस, ठीक ना। चूंकि ये देखिए तीन से कट जाएगा इसलिए हम इसको इधर पक्षांतर कर ले रहे हैं, इसमें गुणा नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस एट यक्स बराबर अड़तीस चालीस बटे तीन, यक्स स्क्वायर माइनस एट यक्स बराबर तीन एक कम तीन, तीन दूनी छः, दो बगल में गया तो चौबीस हो गया, तीन अट्ठे चौबीस जीरो, तो हो गया बारह सौ अस्सी। इसको बाई तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस एट यक्स माइनस बारह सौ अस्सी बराबर जीरो, तो इसको भी हमने वक्स द्विघात समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर लिया। तो ये हो गया प्रश्न नंबर दो हल हो गया, तो ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम नए प्रश्नावली के संग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।